साल 1986 में आई फिल्म लव 86 के जरिए गोविंदा ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। तब से लेकर आज तक उन्हें बहुत प्यार और दुलार मिला। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि गोविंदा के पिता का नाम था अरुण कुमार आहूजा, जो बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर थे, लेकिन इसका कुछ ज्यादा फायदा गोविंदा को नहीं मिला। उन्होंने अपने बलबूते इंडस्ट्री में अपना एक अलग ही नाम कमाया और आज भी उन्हें याद किया जाता है। ऐसे में आज हम आपको एक दिलचस्प किस्सा सुनाने वाले हैं और ये किस्सा अमरीश पुरी और गोविंदा से जुड़ा हुआ था। जब गुस्से में आकर अमरीश पुरी ने गोविंदा को गंदी नाली का कीड़ा कह दिया था, उस समय गोविंदा ने अपनी बातों से नहीं बल्कि अपनी सफलता से अमरीश पुरी को मजा चखाया था। क्या था ये दिलचस्प किस्सा, हम आपको बताते हैं। 80 के दशक में गोविंदा एक जाने माने अभिनेता बन गए थे। हर निर्माता व निर्देशक उन पर पैसा लगाना चाहता था। हर निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करना चाहता था और यही बड़ी वजह थी कि उस समय गोविंदा के पास कई सारी फिल्मों की स्क्रिप्ट थी और हर निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में लेना चाहता था। गोविंदा साफ तौर पर निर्माता निर्देशकों को कह देते थे कि मेरे पास समय नहीं है, भले ही आप मेरे से ये फिल्में साइन करवा लीजिए, अगर मैं शूटिंग पे नहीं पहुंच पाया तो फिर मुझे मत कहना। खैर, निर्माता व निर्देशकों को गोविंदा की इस बात से कोई भी नाराजगी नहीं थी और वो फटाफट गोविंदा से फिल्में साइन करवा लेते थे। दौर था 80 के दशक का, जब गोविंदा एक समय पर करीब 10 से 12 फिल्मों की शूटिंग किया करते थे। कई फिल्मों के सेट पर वो पहुंच जाया करते थे और कई पर वो नहीं। गोविंदा ने अपने स्ट्रगल भरे दिनों को याद करते हुए कई बार इंटरव्यूज में ये भी कहा है कि मैंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा मेहनत किया, लेकिन मेरे को उस हिसाब से कामयाबी नहीं मिल पाई। ऐसे में एक ऐसा भी दौर आया साल 1989 का, जब दो फिल्मों की शूटिंग वो लगातार कर रहे थे। इन दोनों फिल्मों में गोविंदा के साथ अमरीश पुरी भी थे। गोविंदा इन दोनों फिल्मों के अलावा कई सारी और फिल्मों की भी शूटिंग करने जाया करते थे और समय निकालने के बाद इन दोनों फिल्मों के सेट पर पहुंचा करते थे। अमरीश पुरी जहां एक फिल्म की शूटिंग खत्म करके दूसरी फिल्म के सेट पर पहुंच जाया करते थे, वहीं दूसरी ओर गोविंदा को समय लग जाता था। ये दो बड़ी फिल्में थी, फर्ज की जंग और दो कैदी। अमरीश पुरी अपने हिस्से की शूटिंग खत्म करने के बाद वो दूसरी फिल्म के सेट पर पहुंच जाया करते थे, लेकिन गोविंदा को ऐसा करने में काफी वक्त लग जाया करता था। कई बार 6-7 घंटे क्रू मेंबर से उनके शॉट लेने के लिए इंतजार किया करते थे, लेकिन बाद में कई बार ऐसा भी मौका आया कि उन्हें शूटिंग रद्द करनी पड़ी। इस बात से एक बार ऐसा हुआ कि अमरीश पुरी काफी ज्यादा नाराज हो गए और सेट पर देरी से पहुंचने के बाद गोविंदा को देखते हुए आग बबूला हो गए और गोविंदा को उन्होंने भला बुरा कह दिया। उस समय गोविंदा से इतने ज्यादा अमरीश पुरी नाराज हो गए कि उन्होंने गोविंदा को गंदी नाली का कीड़ा तक कह दिया। वहीं दूसरी ओर गोविंदा ने अमरीश पुरी के इन बातों को दिल पे नहीं लिया, उन्होंने उस समय कुछ भी नहीं कहा। खैर, समय बीतता गया और ऐसा भी कहा जाने लग गया कि 90 के दशक के बाद कई सारी ऐसी फिल्में आई जिन फिल्मों को गोविंदा ने अमरीश पुरी के रोल को कटवाया। 90 के दशक में कई सारी ऐसी फिल्में आई जिनमें पिता के किरदार में कादर खान गोविंदा के साथ नजर आए। कई जानकार का कहना है कि गोविंदा और अमरीश पुरी के बीच वो कहा सुनी नहीं होती तो 90 के दशक में कई सारी फिल्मों में कादर खान की जगह अमरीश पुरी नजर आते। लेकिन गोविंदा से पंगा लेने के बाद 90 के दशक में कई सारी फिल्मों के ऑफर अमरीश पुरी को जो मिलने थे वो कादर खान के पास गए और वो सभी फिल्में सुपर डुपर हिट भी रहीं।